दोस्तों मौका पाने से पहले हर कोई मेहनत करता है, मौका पाने से पहले हर कोई मेहनत करता है, जो मौका पाने के बाद जब मेहनत करता है ना वही असली मेहनत कहलाता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिर्फ क्रिएटिविटी कोचिंग, स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है क्रिएटिविटी कोचिंग एंड पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी कोचिंग। मेरा नाम है विवेक। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ सेल्स सर्टिफिकेट। तो जो लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे तो आज आपको शेयर सर्टिफिकेट पूरा समझ में आ जाएगा हर एक। तो व्हाट इज अ सेल्स सर्टिफिकेट, सेल्स सर्टिफिकेट होता क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि सेल्स सर्टिफिकेट होता क्या है। तो पहले मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या होता है। इस सेल्स सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सेल। चलो दोस्तों मीनिंग बता रहा हूं, मीनिंग आपको बाद में समझाता हूं, पहले आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं कि सेल्स सर्टिफिकेट होता क्या है। तो अगर कंपनी में दोस्तों आपको शेयर्स पता है, मैंने शेयर्स पे वीडियो बनाया है, प्री शेयर रेफरेंस सब पे आप देख सकते हो उसको। अगर दोस्तों कोई भी आदमी शेयर्स खरीदता है किसी भी कंपनी का, तो दोस्तों पता कैसे चलेगा कि इसी आदमी ने हमारे कंपनी का शेयर खरीदा था? दोस्तों आप लोगों, अगर कोई भी आदमी इस कंपनी का शेयर खरीदता है तो पता क्या चलेगा कि इसी आदमी ने हमारी कंपनी का शेयर खरीदा था, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े मात्रा में लोग शेयर खरीदते हैं, तो सबका चेहरा कंपनी नहीं याद कर सकती, इसीलिए कंपनी को देती है शेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों ये एक एविडेंस होता है कि भाई मैंने तेरे इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे थे, ठीक है। और कंपनी के लिए भी एक एविडेंस होता है कि भाई तूने इतने ही शेयर खरीदे थे, ज्यादा मत बोलना ना कम मत बोलना, ठीक है। तो ये क्या है, एविडेंस है, ये हर एक चीज का एविडेंस है कि मैंने इतने पैसे पे किए, इतना करना बाकी है, इतना करना चाहूंगा, तूने डिविडेंड इतना बोला था इतना देना था, तू रिटर्न बोला था इतना दूंगा तूने इतना नहीं दिया, तो हर एक चीज का एविडेंस तो शेयर सर्टिफिकेट होता है कि पैसा जैसे डालते हैं दोस्तों पहला नंबर आपको मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, शेयर्स खरीदने पर आपको मिलता है शेयर सर्टिफिकेट। ये है एविडेंस। हम कुछ कपड़े लेते हैं तो कपड़े जो हमने ले लिए और जो कपड़े का बिल होता है वही एविडेंस होता है कि आपने उस दुकान से कपड़े लिए थे। तो हमने कंपनी में तो हिस्सा ले लिया, कंपनी में तो शेयर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, पर दोस्तों आपका शेयर सर्टिफिकेट इंडिकेट करता है कि भाई तू उस कंपनी का शेयर होल्डर है। आप किसी बता सकते हो कि यार देखो मैं शेयर होल्डर हूं, क्या बोल रहे हो? तो शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट जो आपको मतलब बता सकता है दूसरे को कि यार ये इस कंपनी का शेयर होल्डर है, ये एविडेंस टाइप का रहता है। समझा दोस्तों आप लोग को, स्टार्ट करते हैं मीनिंग। ए शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सी। भाई बोल रहा है कि शेयर सर्टिफिकेट है एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट है? रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर मतलब दोस्तों नाम पता विता सब कुछ रजिस्टर में, पैसा कम देने वाला ये उतना, ये ऐसा वो ऐसा ऐसा वैसा, यहाँ रहता वहाँ रहता कंपनी, यहाँ रहती कंपनी का ये है डिस्टिंक्शन नंबर। तो नीचे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज रजिस्टर करके जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होता है उनके शेयर होल्डर को उसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। वो इशू होता है बाय द कंपनी। कौन इशू करता है? कंपनी इशू करता है। किसके अंडर में? कॉमन सिंह के अंडर में। कॉमन सिंह मतलब क्या होगा दोस्तों? स्टैम्प। कंपनी का जो भी थप्पा रहता है वो थप्पा रहना चाहिए, अगर थप्पा नहीं रहेगा तो भाई वो कंपनी का शेयर नहीं माना, शेयर सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट थप्पा रहना चाहिए, उस थप्पे के बिहाफ पे कंपनी कॉमन सिंह के बिहाफ पे क्या इशू करती है? शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोला? इशू बाय द कंपनी, कंपनी इशू करती है कॉमन सिंह, वो कॉमन सिंह के अंडर में इशू करती है शेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हमारा शेयर सर्टिफिकेट इज एविडेंस ऑफ फॉर द शेयर। तो मैंने आपको बताया कि भाई शेयर सर्टिफिकेट क्या है? एविडेंस है। क्या है? एविडेंस सबूत है कि आप लोगों के शेयर्स खरीदे। सेकंड पॉइंट है शेयर सर्टिफिकेट इज नॉन नेगोशिएबल। दोस्तों मैंने बताया कि शेयर सर्टिफिकेट नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों नॉन नेगोशिएबल ये कि जो आराम से किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो आराम से किसी और को हम बेच नहीं सकते, जो आराम से किसी और को क्या बोलते हैं गिफ्ट नहीं दे सकते, बट एक प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग सब चीज कर सकते, ट्रांसफर कर सकते। मतलब शेयर सर्टिफिकेट किसी और को देना, अपनी ओनरशिप किसी और को देनी है, अपनी मालिक वाली जो चीज है वो सब किसी और को देना है, तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट उसके नाम पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका शेयर ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए दोस्तों प्रोसीजर बहुत बड़ा रहता है, तो वो आपको करने के बाद ही आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। बट शेयर वारंट दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट का अपोजिट है शेयर वारंट। दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें आपको कोई भी प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, आपको जिसको देना आप दे सकते हो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बेयरर डॉक्यूमेंट है। जिसके पास है उसका हुआ, जिसके पास नहीं है उसका नहीं हुआ। तो क्या है दोस्तों, वो क्या है? बेयरर डॉक्यूमेंट। तो ये आपको समझाऊंगा दोस्तों, धीरे धीरे समझेगा आपको, पूरा देखूंगा अच्छे से, ठीक है।
Do not share certificate. The share is not easy. You transfer. तो बिकॉज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अगर तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं रहता तो क्या रहता, शेयर वारंट रहता, और शेयर वारंट रहता तो दोस्तों शेयर आराम से ट्रांसफर हो जाता, बट अगर शेयर सर्टिफिकेट है तो शेयर आराम से ट्रांसफर नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट इज शेयर सर्टिफिकेट इशू टू द शेयर होल्डर, सॉरी फोर्थ पॉइंट इज शेयर सर्टिफिकेट बाय इशू बाय द पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। मतलब ये शेयर सर्टिफिकेट कौन कौन इशू कर सकता है, पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकता है, प्राइवेट कंपनी भी इशू करता है, दोनों के पास ये राइट है कि वो क्या बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है शेयर सर्टिफिकेट इशू टू दी शेयर होल्डर्स, शेयर सर्टिफिकेट किसको इशू होता है, सिर्फ शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को इशू कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो शेयर के सर्टिफिकेट है, डिबेंचर के सर्टिफिकेट नहीं है, तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल बात है, समझ में आया होगा। ये चीज़ आपको समझा आ चुकी है दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि क्यों ये लेना, क्यों ये आराम से ट्रांसफर नहीं होता, क्या प्रोसीजर, क्या नहीं है, कैसे करने हैं, कब करने हैं ट्रांसफर, सब बताऊँ सब बोलूँगा। नेम तो कंटेन ऑफ दिस सेल सर्टिफिकेट, तो सेल सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या रहता है और क्या क्या रहना चाहिए तभी वो सेल सर्टिफिकेट कहलाएगा, ये देखो दोस्तों आपको समझेगा। सबसे पहला तो क्या है, कंटेन ऑफ दी सीयर सर्टिफिकेट, सीयर सर्टिफिकेट क्या क्या कंटेन रहता है, ये रहना चाहिए ताकि वो सीयर सर्टिफिकेट कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का नेम और कंपनी जहां रजिस्टर हुई है, कंपनी जिस रजिस्टर एड्रेस ने जो एड्रेस ने रजिस्टर किया है वो एड्रेस उसके सीयर सर्टिफिकेट में रहना ही चाहिए और रहता है। सेकंड पॉइंट है नेम ऑफ द शेयर होल्डर, तो जिस शेयर होल्डर को उसने शेयर बेचा है, जिस शेयर होल्डर को उसने शेयर बेचा है का भी नाम रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये डेट ऑफ द इशू ऑफ शेयर, तो दोस्तों जिस दिन उस आदमी ने शेयर खरीदा, जिस दिन उस आदमी ने मतलब कंपनी ने शेयर बेचा, वो डेट लिखना पड़ता है, वो दिन मस्ट कंपलसरी ये वहां डेट लिखा रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है डिस्टिंक्टिव नंबर, दोस्तों डिस्टिंक्टिव नंबर को कॉम्प्लिकेटेड में बताता हूं, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है, दोस्तों क्या होता है कि शेयर जो रहते हैं दोस्तों एक एक दो दो को ही खरीदता है, दोस्तों ये बंडल्स खरीदते हैं, क्या करते हैं बंडल्स, अगर मैं बोलूं तो अगर ऐसे रहता है 101 से लेके 201 तक शेयर मिस्टर ए के हैं, ठीक है, तो ये होता है डिस्टिंक्टिव नंबर। दोस्तों कंपनी की 10,000 शेयर है, तो 10,000 में कितने से लेके कितना तक किसने लिया है उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब कि मिस्टर ए के शेयर सिर्फ 100 शेयर है, उसने 101 नंबर से लेके जो भी शेयर है 201 नंबर तक उसने पूरे शेयर उसके नाम पे, तो मिस्टर ए के 100 शेयर है और उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है 101 2201, ये क्या है डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब यहां से लेके यहां तक उनके शेयर तो सभी है, 101 और 201 नहीं है दोस्तों, 101 से लेके 201 तक शेयर है, क्योंकि कंपनी के शेयर बहुत रहते हैं, 10,000 20,000 40,000 50,000 में दोस्तों ऐसा रहेगा कि समझ लो कि 4,000 से लेके 5,000 तक शेयर मेरे हैं, तो मेरा 1,000 शेयर हुए, तो दोस्तों डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है कि 4,000 से लेके 5,000 तक ये डिस्टिंक्टिव नंबर है, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट है फेस वैल्यू एंड अमाउंट पेड ऑन इन शेयर, तो फेस वैल्यू मतलब द ओरिजिनल वैल्यू, तो जो भी शेयर का ओरिजिनल वैल्यू, तो तीन टाइप की वैल्यू होते हैं दोस्तों, मतलब प्रीमियम, एक होता है पार और एक होता है फेस वैल्यू, तो वो चीज़ मैं बाद में बात करूंगा। तो जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो भी एकदम प्राइस हो तो सेम, जो भी एकदम मार्केट में नहीं, मार्केट की प्राइस अलग रहती है, प्रीमियम अलग रहता है, बार अलग रहता, सॉरी प्रीमियम अलग रहता है, डिस्काउंट अलग रहता है, बट बार फेस वैल्यू दोस्तों यही होता है, मतलब कि एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर, जो भी ओरिजिनल प्राइस है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं फेस वैल्यू, एंड अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, तो ये चीज भी कंपलसरी है, डिस्टिंक्टिव नंबर रहना चाहिए, फेस वैल्यू रहना चाहिए और अमाउंट पेड ऑन ईच शेयर, दोस्तों जब भी कंपनी का शेयर खरीदता है दोस्तों पूरा पैसा नहीं देता, उस शेयर का कुछ पैसा देता है, मतलब कि अगर शेयर समझ लो 100 रुपए गए तो उसने सिर्फ 25 रुपए दिया है, तो 25 रुपए उसमें लिखा रहना चाहिए, उसने अभी तक 25 रुपए दिया है, उसको 75 रुपए देना बाकी है और वो देगा, समझा दोस्तों आप लोगों को, उसने 100 शेयर 100 का दोस्तों 25 रुपए उसने दिया है, उसके शेयर सर्टिफिकेट लिखना चाहिए 25 रुपए उसने सिर्फ दिया है, तो अमाउंट जो उसने पे किया है अपने शेयर में ये भी लिखा रहना चाहिए। तो दोस्तों टू डायरेक्टर के सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर कितने डायरेक्टर के चाहिए, टू डायरेक्टर के कंपलसरी है, और एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द सेक्रेटरी, मतलब दोस्तों पूरा जांच लेगा कि सब सही है कि नहीं, तो दोस्तों आप एसपी जो पढ़ रहे हो ना सेक्रेटरी प्रैक्टिस, वही सेक्रेटरी जो कंपनी का सीरियस रहता है वो एक साइन करता है कि भाई यहाँ सब कुछ सही है, मैंने भी साइन कर दिया, टू डायरेक्टर के साइन सब कुछ कंपलसरी है, सब कुछ जो भी चीज़ चाहिए वो सब चीज़ एक लीगली फॉर्म में दोस्तों अवेलेबल है, तो वो साइन करता है सेक्रेटरी, कॉन्ट्रा साइन उसको बोलते हैं,
इसके बाद अगर सेम रहते कॉमन सेल पे कम करते तो कॉमन सेल तो थप्पा कंपलसरी है। मैंने आपको यहां बता दी थी कि कॉमन सेल कंपलसरी है, तो ये सब जो चीजें दोस्तों आती है, ये सब सब चीजें तो रहती है, तभी वो क्या बनता है शेयर सर्टिफिकेट। बट दोस्तों जो नेम है ना शेयर होल्डर का, एक बार मेंशन हो गया कि विवेक दुबे तो शेयर उसके नाम पे है, तो बट वो आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। वो अगर विवेक दुबे को किसी को और को शेयर दे दे तो किसी और को जल्दी दे नहीं पाएगा, उसका नाम किसका, विवेक दुबे, कंपनी विवेक दुबे को बुलाएगी ना कि किसी और को बुलाएगी। इसलिए दोस्तों ये आराम से किसी और को ट्रांसफर नहीं होता, ये नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये आराम से किसी और को ट्रांसफर नहीं होता, आराम से किसी और को सेल नहीं कर सकते। हाँ आप नेम चेंज करवा सकते हो, आप बहुत सारे चेंज करवा सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप जाके ट्रांसफरी जो दोस्तों जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसको लेके जाके उसको बोल सकते हो कि भाई कंपनी को बता सकते हो कि ये देखो ये हम दोनों है, हमको ऐसा ऐसा करना है, हमको शेयर ट्रांसफर करना है, मैं इसको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट आराम से किसी और को ट्रांसफर नहीं होता, दूसरी वीडियो अच्छे तरीके से बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो कोई वीडियो अगर आया होगा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए समझ आता है दोस्तों, क्योंकि हर कोई सीख रहा है दोस्तों, कोई परफेक्ट यहाँ है नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो दोस्तों, या कोई टीचर भी सब सीखने ही वाले हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई डाउट अगर इसमें भी आया हो तो मुझे एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको आपके हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, गारंटी को सो दोस्तों, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, आपको फ्री में आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। और जो अगर चैनल को दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी पसंद आएगा वीडियो और दूसरे वीडियो आप देखना चाहते हो अलग अलग तरीके से और चीज़ें वीडियो देखना चाहते हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए और अच्छे तरीके से। दोस्तों देखिए दोस्तों, टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।